हेलो गाइस, ये प्रॉपर्टी हम आपको दिखाने के लिए लाए हैं। ये उत्तम नगर वेस्ट मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल पास में है, जो मुश्किल से बहुत हद मारते हैं तो 200 मीटर दूर है उत्तम नगर वेस्ट मेट्रो स्टेशन के पास। 200 गज की बिल्डिंग है, फ्रंट पे 90 गज में बना हुआ है, 3 BHK है। बैक में अगर जाते हैं तो 55 गज में बना हुआ है, जो 2 BHK का सेट है। नीचे इसकी फुल पार्किंग है। अब मैं आपको पूरी प्रॉपर्टी की विजिट कराता हूं, जो पार्किंग से शुरू हो जाता है। आइए, जो पार्किंग है नीचे खुली पार्किंग है, 200 गज में बनी हुई है। नीचे आपकी LED लाइटें लगी हुई हैं, सीलिंग में आपका POP का काम हो रखा है ऊपर छत के अंदर। ये आपका मोटर का एरिया है, सबके मोटर के पॉइंट अलग अलग लगे हुए हैं, किसी की मोटर में कोई ज्वाइंट नहीं है, अलग मोटर है। ये अगर आप देखते हैं तो लिफ्ट का एरिया है जो साइड में है, और इसके आगे अगर अपन चलते हैं तो ये जीना है। जीना भी हमारा 3 फुट का है, जीना भी हमारा काफ़ी चौड़ा है। आपको मेन गेट के ऊपर आ जाते हैं, गेट के साथ में जैसे अगर अपन आते हैं तो इसके साथ में ये आपका ड्राइंग रूम है। ड्राइंग रूम का साइज अगर हम देखते हैं तो 10 फुट बाई 15 फुट का पूरा इसका ड्राइंग रूम है, खुला ड्राइंग रूम है। इधर अगर अपन देखते हैं तो AC का हमने फिटिंग दे रखी है, AC की फिटिंग है, सेपरेट है, कोई आपको तोड़ फोड़ करने की जरूरत नहीं है। मेन गेट से अगर सिक्योरिटी के लिए देखते हैं तो ये हमारा LED पैनल है, LED लगी हुई है। बाहर मेन गेट पे अगर कोई आता है तो आप यहीं पे अपनी पिक्चर देख सकते हैं। आप अगर जानते हैं उसको तो आप गेट खोल सकते हैं यहीं से, नहीं जानते हैं तो गेट खोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर इधर आप देखते हैं, इधर हमारा आपका TV का LED पैनल है। इसके अंदर में आपको छोटी हमने लाइटें लगा के दी हुई हैं, फैंसी लाइटें हैं, देखने में सुंदर लगती हैं। इसका डिजाइन बहुत अच्छे से हमने इसको बनाया गया है। तो ये एरिया हमारा जो बनता है 10 फुट बाई 12 फुट की हमारी किचन है, 10 फुट इसका यहाँ से बनता है और आपका 12 फुट इधर से बनता है। ये पूरी किचन है, मॉडर्न किचन है। अगर आप इधर से देखते हैं तो ये भी आपको देखने में पता चलेगा आपको मॉडर्न किचन है, अच्छी से बनाई गई है। ये हमारा चिमली का पॉइंट है जो सेपरेट दिया गया है, सेपरेट हमने बाहर की तरफ दिया हुआ है, अंदर इसका कोई लेना देना नहीं है। और ये अगर हम देखते हैं तो ये अलग से एक हमारा बर्तन रखने के लिए अलग से हमने किचन के लिए, मॉडर्न किचन के लिए अच्छे से बनाया गया इस रैक को, बहुत अच्छी किचन बनाई गई है। इसके आगे की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा बेडरूम आ जाता है, फर्स्ट बेडरूम के साथ में अपन देखते हैं तो ये हमारी एक सावट है जो वेंटिलेशन का काम करती है। वेंटिलेशन है, बाहर की तरफ खुल जाती है, अंदर से बंद करना चाहते हैं तो बंद भी कर सकते हैं। इधर अगर देखते हैं तो ये आपके वॉल पेपर लगा हुआ है दीवार पे, अच्छा है, LED है, बहुत अच्छा से हमने पेपर लगाया गया है। इसके आगे की अगर हम बात करते हैं तो ये एक अलमारी है, अलमारी बेडरूम के साथ है, सेपरेट है, अच्छे से बनी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरफ से खुलने के लिए। ये हमने MCV पहले से लगा रखी है, आपको एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत नहीं। दूसरा अगर हम बात करते हैं बालकोनी की, ये हमारा वॉशिंग एरिया है। वॉशिंग एरिया की अगर बात करते हैं तो ये हमारा 2.5 फुट बाई 5 फुट के पूरा आपका ये वॉशिंग एरिया है। वॉशिंग एरिया खुला है, पूरा लंबा है, अच्छे से बना हुआ है, 20 फुट इसकी लंबाई है, 3 फुट चौड़ा है। वॉशिंग एरिया के साथ में हमने यहाँ पे टूटी का पॉइंट दिया हुआ है, टूटी यहाँ पे लग जाएगी। अगर मैं इसकी बाथरूम की बात करता हूँ तो इसमें 2 बाथरूम है, और 2 बाथरूम का साइज की अगर मैं बात करता हूँ तो साइज हमारा जो है 5 फुट बाई 7 फुट 8 फुट का इसमें बाथरूम है। बड़ा बाथरूम है, खुला बाथरूम है, खुल के आदमी नहा सकता है, अच्छे से है। 2 LED पैनल इसमें LED लगा रखी है हमने, और ये जो हमारा वॉशिंग का एरिया है ये हमारा अंदर से हमने इसको बना रखा है, अंदर से फिट किया जाएगा, बटन आप प्रेस करेंगे तो बाहर से पानी को कोई भी आपको बाहर से कुछ भी चीज नजर नहीं आएगी। और दूसरे बेडरूम की अगर बात करते हैं तो दूसरा बेडरूम हमारा यहाँ पे आ जाता है। इसके साथ में ये LED की पैनल के साथ में हमने एक बॉक्स बनाया गया है, जो आपका LED पैनल यहाँ पे लग जाएगा दीवार के ऊपर, और उसका सेटअप बॉक्स वगैरह नीचे लग जाएगा।
ये एक एक्स्ट्रा हमने गमले वगैरह रखने के लिए अलग से रैक लगा गए जो आपको देखने में अच्छा लगेगा। तीसरा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे विंडो एसी लग जाएगा, इसकी भी एमसीबी अलग से लगी हुई है। चौथी अगर हम बात करते हैं तो इसके साथ में ये बाथरूम है, बाथरूम भी बेडरूम के साथ में अटैच है। 4 फुट बाई 7 फुट का पूरा बाथरूम है, अच्छा बना हुआ बाथरूम है, एलईडी लगे हुई है, दीवारों के ऊपर में टाइलें लगी हुई है। तीसरी चौथी अगर हम बात करते तो इसके साथ भी हमने एक अलमारी बना ली हुई है। अलमारी का देखो, अलमारी का साइज भी अच्छा है, 5 फुट बाई 6 फुट की हमारी ये पूरी अलमारी बनी हुई है, अच्छी है। तीसरी अगर हम बात करते हैं तो इसके ऊपर वॉल पेपर लगा हुआ है दीवार के ऊपर, अच्छा बना हुआ है। इसके साथ भी आपकी एलईडी पैनल के साथ में भी लगा रखा है और पीछे से हमने लाइट भी ऊपर से दी हुई है, सीलिंग के अंदर भी लाइट इसमें लगी हुई है। तीसरी अगर बात करते हैं तो आपका तीसरा बेडरूम आ जाता है। तीसरा बेडरूम गाइज बात करते हैं तो इसके अंदर भी हमने वॉल पेपर के ऊपर में आपका वॉल पेपर लगा हुआ है और इसके साथ विंडो है, विंडो एसी इधर भी लग जाएगा। चौथी बात करते हैं तो इसके साथ में हमारा ये एलईडी पैनल है, एलईडी पैनल सेपरेट है और सेटअप बॉक्स रखने के लिए अलग से इसके हमने रैक बना रखा है जो अलग से आप ऊपर से रख सकते हैं। सीलिंग की बात करता हूँ तो सीलिंग के ऊपर में आपका पीओपी का काम हो रखा है, एलईडी लगी हुई है, फैंसी लाइटें ऊपर हमने फिट की हुई है। अगर मैं प्राइस की इसकी बात करता हूँ तो प्राइस इसका बहुत कम रखा गया है, 57 लाख रुपए का इसमें प्राइस रखा गया है। बहुत नज़दीक है, मेट्रो के नज़दीक है, पार्किंग है, लिफ्ट है और रहने के पर्पस से बहुत अच्छा सेट है। अगर किसी को ये पसंद आता है तो आप आके इसमें विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, ले सकते हैं और सपनों का घर बना सकते हैं। थैंक यू।